नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में। हमारे देश के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका काफ़ी बड़ा रोल है। ये कह लीजिए कि ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में केवल 8 साल के लिए एक्टिव रहे, मान लीजिए 1917 से 1925 तक, लेकिन उसी 8 सालों में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के भी गुरु थे। ये मैंने सुभाष चंद्र बोस वाली वीडियो में भी बताया था, तो उसका लिंक अगर मुझे याद रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप जाके मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके साथ साथ ये वीडियो हिंदी में है फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो इस वीडियो को मैं बस एक स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा फ्रेंड्स। टेक्स्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो सब कुछ लिखना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पजेज है, आपकी नॉलेज की पर्पज़ है, तो बस इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए। इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए 5 नवंबर 1870 को इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म हुआ था इनका बिक्रमपुर नाम की जगह है डका में, उस समय पे डका था, आज की डेट में ये ढाका है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इनके बच्चों का नाम था अपर्णा देवी, फिर इनके एक और बच्चा था उसका नाम था चीररंजन दास और कल्याणी देवी। तो इनके 3 बच्चे थे। इनकी माताजी का नाम था निस्तारिणी देवी, इनके पिताजी का नाम था भुवन मोहन दास। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक हमारा जो हिल स्टेशन है बहुत प्यारा दार्जिलिंग में हुई थी, 16 जून 1925 को, जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो एंड में दार्जिलिंग चले गए थे और वहीं पे हैवी फीवर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो फैमिली थी दास फैमिली फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस फैमिली थी तेलर बाग की। ठीक है, आप जैसा कि मैंने बताया इनके फादर का नाम था भुवन मोहन दास। इनके फादर बहुत ही फेमस सॉलिसिटर थे, जर्नलिस्ट थे, इंग्लिश चर्च वीकली के लिए काम करते थे, जिस वीकली का नाम था द ब्रह्मो पब्लिक ओपिनियन फ्रेंड्स। ठीक है, और इनको देशबंधु कहा जाता है प्यार से। देशबंधु का मतलब आप समझते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ द कंट्री, देश का दोस्त। ठीक है, अब देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट में इनके पिताजी भुवन मोहन दास एक फेमस और रेप्यूटेड सॉलिसिटर थे, और इनके जो पिताजी थे वो ब्रह्मो समाज के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे, एक बहुत बड़े मेंबर थे। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज के मेंबर थे, राजा राम जी के फॉलोअर थे, उनके अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और जर्नलिस्टिक क्यूरोसिटीज थी, परस्यूट्स थी, और उनके ही इनके फादर के पैट्रियाटिक आइडिया से ही चित्तरंजन दास जी को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। फिर चित्तरंजन दास जी की जो शुरू की जो पढ़ाई हुई है वो हुई है लंदन मिशनरी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन से, जो कि भवानीपुर में है, ये कलकत्ता में है, लंदन मिशनरी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये कोलकाता की बहुत ही फेमस कॉलेज है जो आज भी है वहाँ पे, 1890 में वहाँ पढ़ने गए, जिसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये बहुत ही रॉयल तरीके का कॉलेज है, कभी आप कलकत्ता जाएँ तो देख के आइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मतलब देखने में ही बहुत अच्छा सा लगता है वो। उसके बाद ये इंग्लैंड भी गए इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में का वो पार्टिसिपेट करने के लिए, बट हाँ उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद इन्होंने इनर टेम्पल ज्वाइन किया। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि ये इनर टेम्पल क्या है। ठीक है ना, इनर टेम्पल ज्वाइन करने के बाद ही इन्होंने आप समझ लीजिए कि ये बार ज्वाइन किया। बार क्या होता है, बार होता है आपका आप कैसे लॉयर का जो प्रोफेशन होता है उसको बार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इनर टेम्पल है इसको बोला जाता था ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल। क्या है कि लंदन में 4 इंच ऑफ कोर्ट है, तो अगर आपको बैरिस्टर बनना है इंग्लैंड में तो आप इनमें से किसी एक 4 इंच ऑफ कोर्ट से आपका होना ज़रूरी है। तो इनमें 4 इंच ऑफ कोर्ट में से एक कोर्ट का नाम है इनर टेम्पल। तो ये इनर टेम्पल इन्होंने ज्वाइन किया था चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, इनको बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लॉयर बने थे 1894 में इनर टेम्पल ज्वाइन करने के बाद। बंकिम चंद्र जी का इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ पे काफ़ी इफेक्ट रहा है। फिर जब चित्तरंजन दास जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय वहाँ के स्टूडेंट एसोसिएशन के लीडर रहे हैं, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का भी इन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इनको काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं, काफ़ी कुछ पढ़ाया है, तो उनकी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का भी काफ़ी हाथ है। ठीक है, फिर 1894 में जब दास जी वापस आ गए, इंस ऑफ एक इंस ऑफ कोर्ट इनर टेम्पल्स को ज्वाइन करके आए थे, तो इंडिया में
ये बैरिस्टर लग गए कलकत्ता हाई कोर्ट में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए किसी भी फील्ड में एक्सेल करने में थोड़े बहुत सोर्स और जैक की ज़रूरत होती है। आज की डेट में भी देखिए फ्रेंड्स कि थोड़ा बहुत सोर्स और जैक ज़रूरी होता है अगर आपको किसी एक फील्ड में बहुत ऊँचा पहुँचना है तो। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी यू नो बैकग्राउंड सपोर्ट के, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे बहुत ऊपर उठते हैं। होते हैं ऐसे भी लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सेल करना है तो थोड़े बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और आज की देश में तो डेट आज़ाद है, उस समय पे जब ये चित्तरंजन दास जी का टाइम था 1900 की बात हो रही है ये, ठीक है, 19th century के एंड और 20th century की शुरुआत की बात हो रही है, तो उस समय तो देश आज़ाद भी नहीं था, ठीक है। तो उस समय इंडियंस को अगर ऊपर उठना हो तो किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन इनके पास सपोर्ट नहीं था चित्तरंजन दास जी के पास। और लॉयर फील्ड में अगर ऊपर उठना है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक सीनियर एडवोकेट, एक सीनियर लॉयर कम से कम आपको कुछ सिखाए, आपको थोड़ी सी बैकिंग दे, आपको खूब अच्छे केसेस दे, तभी आप ऊपर उठ पाओगे, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने बहुत सारे केसेस में अपेयर हुए चित्तरंजन दास जी। 1907 में इन्होंने भूपेंद्र नाथ दत्त जी का केस लिया। भूपेंद्र नाथ दत्त जी पे सेडिशन पे चार्जेस लगाए गए थे, इसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में बात कर रखी है, अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है, ठीक है। पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इनका जो एज एन एडवोकेट जो इनकी प्रतिभाएं थी उससे इनको एडमिरेशन ज़रूर मिला, लोगों ने इनकी सराहना की, लेकिन भूपेंद्र नाथ दत्त वाले केस में प्रोसिक्यूशन को ये हरा नहीं पाए। देखिए भूपेंद्र नाथ दत्त को ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे भूपेंद्र नाथ दत्त के ऊपर, और भूपेंद्र नाथ दत्त को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और एक गवर्नमेंट लॉयर था जो भूपेंद्र नाथ दत्त के ऊपर को प्रोसिक्यूट कर रहा था, उन पर इल्ज़ाम लगा रहा था, तो प्रोसिक्यूशन लॉयर जीत गया था और ये केस हार गए थे वो वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद इन्होंने कुछ और नहीं किया। 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, उसकी सुनवाई हुई थी, उसमें औरबिंदो घोष जी का भी नाम था, तो औरबिंदो घोष जी को डिफेंड किया था चित्तरंजन दास जी ने, और इतने अच्छे से डिफेंड किया था कि औरबिंदो घोष जी को एक्विट कर दिया गया था, बाइज्जत बरी छोड़ दिया गया था। तो जब दास जी ने औरबिंदो घोष जी को एक्विट करा दिया अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में, उससे इनको काफ़ी पब्लिसिटी मिली, काफ़ी इनकी तारीफ हुई, ठीक है। क्योंकि एक तो औरबिंदो घोष जी नेशनलिस्ट थे, और अब एक नेशनलिस्ट को बचाना एक इंडियन के लिए उस समय पर बड़ी बात थी, काफ़ी इनको तारीफ मिली। फिर डक्का कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनका नाम था, सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों में इनकी महारत थी, इनको दोनों चीज़ें आती थी। तो शुरू शुरू के अपने ईयर्स में ये लॉयर लॉ फील्ड में एक्टिव रहे, एज ए बैरिस्टर ये काम करते रहे, और डायरेक्ट इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में ये एंट्री नहीं मारी इन्होंने, जैसा कि मोतीलाल नेहरू जी के साथ हुआ था, कुछ कुछ वैसा इनके साथ भी हो रहा था। लेकिन 1917 के टाइम से थोड़ा थोड़ा इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारनी शुरू की। अब देखिए जो 1917 का टाइम था फ्रेंड्स, इस समय पर बहुत सारे लीडर्स ने इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में एंट्री मारनी शुरू की है, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी का बताया कि 1920 में सब कुछ छोड़ के वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कूद पड़े। 1917 में पंजाब में जो होम रूल लीग मूवमेंट था उसको उन्होंने लीड किया मोतीलाल, पंजाब में नहीं सॉरी इलाहाबाद में। उसी तरीके से चित्तरंजन दास जी, उस समय हुआ ये था कि 1916 के टाइम पे महात्मा गांधी जी इंडिया में आ गए थे और एक्टिव हो गए थे, तो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को एक ऑर्गेनाइज्ड फेस मिल गया था। साथ साथ वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों के बीच, बहुत सारे लीडर्स नेशनलिस्टिक एरा में आ रहे थे, उसमें से एक चित्तरंजन दास भी थे। फिर उस समय बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज होने लगी। जो एनी बेसेंट जी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एज अ प्रेसिडेंट चुनी गई कलकत्ता सेशन में। फिर बाद में एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने उनको नज़रबंद कर दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिपोर्ट करने की बात होने लगी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में। इससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल हो गया, क्योंकि वो एक इंग्लिश लेडी ही थी जो इंडिया में आके इंडियंस के लिए काम कर रही थी, और जब ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो सारे इंडियंस एनी बेसेंट जी के सपोर्ट में खड़े हो गए, और धीरे धीरे चित्तरंजन दास जी भी इस एरेना में आया। और चित्तरंजन दास जी की जो ओरेटरी स्किल्स थी ना, जो बोलने की ताकत थी ना, वो ज़बरदस्त थी। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी लीडर में सबसे बड़ी जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसकी ओरेटरी स्किल्स, उसके बोलने की ताकत, क्योंकि आप बोल के ही लोगों को कन्विंस करते हो, और अगर आपके बोलने में दंग है ना तो फिर आप लोगों को अपना फॉलोअर्स बना सकते हो। और कई बार ऐसा हुआ कि चित्तरंजन दास जी ने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को एड्रेस किया, सेल्फ गवर्नमेंट पे बोला, खासकर बंगाल के इलाके में, क्योंकि ये बंगाली ही थे, तो इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग सी बढ़ती गई।
फिर बहुत सारे कांग्रेस के सेशंस हुए जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो स्कीम दी थी सरकार ने उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, कहा कि ये सही नहीं है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया था, चित्तरंजन दास जी ने भी उसको अपोज किया, मोतीलाल नेहरू जी ने भी उसको अपोज किया, एनी बेसेंट जी ने भी उसको अपोज किया। ठीक है, फिर एक जलियांवाला बाग कांड हुआ था, आपको पता होगा। तो जलियांवाला बाग कांड के बाद में पहले तो ब्रिटिश ने कोई कमेटी नहीं बनाई उसको इंक्वायर करने के लिए, तो कांग्रेस ने क्या किया कि अपनी खुद की एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बना दी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की खुद की एक ये जो नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई थी, इसको देख के ही फिर ब्रिटिश सरकार ने अपनी हंटर कमेटी बनाई। लेकिन ये जो नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उसके एक मेंबर आपके चित्तरंजन दास जी भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अमृतसर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1919 का। इससे पहले वाली मैंने वीडियो बताया था कि 1919 के अमृतसर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे मोतीलाल नेहरू जी। फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू जी की वीडियो जाके देखिए। ठीक है, तो इस सेशन के ताम पे सबसे पहले चित्तरंजन दास जी ने बोला कि यार ये जो कॉपरेशन का जो हम लोगों ने एजेंडा ले रखा है ब्रिटिश सरकार के साथ, इस कॉपरेशन के एजेंडे को करो ख़त्म, और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को हमें ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों के साथ करते रहेंगे कॉपरेट, तब तक ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, तो अब इन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू करो। फिर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि कांग्रेस में एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में 1920 में, ये शायद सितंबर 1920 में हुआ था। और इसी सेशन की खास बात ये थी कि एक तो लाला लाजपत राय जी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, और लाला लाजपत राय जी की प्रेसिडेंटशिप में इस सेशन में गांधी जी ने अनाउंस किया था कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग करेंगे लॉन्च। ठीक है, हालांकि नॉन कॉपरेशन का जो एजेंडा रखा था गांधी जी ने, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता था चित्तरंजन दास जी, हालांकि वो चेंजेस हो नहीं पाए थे। ठीक है, फिर लेकिन फिर भी हुआ ये कि गांधी जी की लीडरशिप को माना चित्तरंजन दास जी ने, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपना पूरा सपोर्ट दिया, और उसमें सपोर्ट काम करने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी फ्रेंड्स कलकत्ता हाई कोर्ट में। अच्छी खासी इनकम थी, देखिए मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, मोतीलाल नेहरू जी ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ा था इलाहाबाद कोर्ट में, चित्तरंजन दास जी ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ा कलकत्ता हाई कोर्ट में, और ये बहुत बड़ी बात थी फ्रेंड्स, क्योंकि आप अपना सब कुछ छोड़ देते हो, आपने अपना कैरियर ही दांव पे लगा दिया, जहां कि आप कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बैरिस्टर की तरह काम कर रहे हो, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, आपका सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, आप नेशनल मूवमेंट के लिए सब कुछ छोड़ के उसमें कूद पड़ो, ये बहुत बड़ा सेल्फ सेक्रीफाइस था, और इसके लिए इनकी काफ़ी सराहना की गई। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलावा भी इन्होंने बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि आसाम टी गार्डन्स में जो पुलिस काम करते थे, जिनकी कोई भी डिसेंट वर्क कंडीशंस नहीं थी, उनको बहुत एक्सप्लॉयट किया जाता था, जब वो भागने लगे तो उनका सपोर्ट किया चित्तरंजन दास जी ने। फिर आसाम बंगाल रेलवे के एम्प्लॉयज एक बार स्ट्राइक पे चले गए 1921 में, तो उनकी आवाज़ को भी उठाया चित्तरंजन दास जी ने। फिर हुआ ये था कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आने का प्लान था उनका, तो इसके अगेंस्ट में बॉयकॉट हुआ था, और उस बॉयकॉट में जो डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो कांग्रेस वॉलेंटियर्स का था। ठीक है, तो कांग्रेस वॉलेंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट हो रही है 1921 में, इसको बॉयकॉट करो, ये नहीं होनी चाहिए, इसके चक्कर में इतना खर्चा हो रहा है, देश में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप ये प्रिंस की वेल्स की विजिट करा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कांग्रेस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस विजिट को बॉयकॉट कर रहा था, उसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। तो देश बंधु जी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिफाई किया और इस कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, और इसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया देश बंधु जी को, और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1922 में इनको रिलीज किया गया, जेल से छोड़ा गया, और फिर गया में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसके ये प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, फिर आपको पता है कि फ्रेंड्स आपका 1922 फरवरी 1922 में हो गया चौरी चौरा कांड। उस चौरी चौरा कांड के चलते महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू जी वाली वीडियो में भी मैंने इसकी बात की थी। उसके बाद एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनी, जिसको स्वराज पार्टी भी बोलते थे, उसमें मोतीलाल नेहरू जी भी थे, उसमें देश बंधु जी भी थे। ठीक है ना, तो चित्तरंजन दास जी का भी उसमें काफ़ी बड़ा रोल था, तो चित्तरंजन दास जी ने मिलके
आपका मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलके, अली ब्रदर्स के साथ मिलके, अजमल खान, बहुत सारे और भी लोग थे, प्रताप गुहा रॉय, इनके साथ मिलके इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है। और स्वराज पार्टी का काम बस इतना था कि वो एज अ सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ही काम करेगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे सूरत स्पिट वाली कंडीशन को अवॉइड किया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहा था कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो एंट्री है ना, उसको इंडियंस को बॉयकॉट कर देना चाहिए। स्वराज पार्टी वाले, खासकर ये जो चित्तरंजन दास जी थे और बाकी लोग थे, अली बदर से मोतीलाल नेहरू जी थे, ये लोग क्या बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, लेकिन हमको काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के बाद फिर उसके काम को रोकना चाहिए, ठीक है। यानी हम उसके मेंबर बनेंगे और फिर ब्रिटिश सरकार के कामों को रोकेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने उसको इस बात की परमिशन दे दी कि आप जा सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर आपको यह भी बताया था मैंने कि स्वराज पार्टी को पॉलिटिकल विंग डिक्लेयर कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 में, लेकिन 1926 तक आते आते स्वराज पार्टी के अंदर बहुत सारे कम्युनल एलिमेंट्स हावी होने लगे थे, क्योंकि अली ब्रदर्स भी इसके ऐसे थे, कम्युनल बेसिस पे उनमें लड़ाई होने लगी थी, स्क्वैबल्स होने लगे थे, इंडिविजुअल लीडर्स की टकरार होने लगी थी, जिससे कि कांग्रेस, ये जो स्वराज पार्टी था, इसका काम भी थोड़ा सा अफेक्ट होने लगा और बहुत ज़्यादा दिन तक ये अच्छे से काम नहीं कर पाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी और सी चीज़ें हुई, ठीक है। देशबंधु जी का कहते ना कि देशबंधु जी भले ही नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे अप्लाई करते थे, ठीक है ना, लेकिन उनके बहुत से और चीज़ थी। पहली बात तो वो नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे और नेशनल एजुकेशन को वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के थ्रू प्रमोट करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि देश की जो लैंग्वेजेस हैं उनके द्वारा ही आप लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि लोगों को वही आती हैं। फिर इन्होंने बोला कि विलेजेस में जाके हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो विलेजेस में ही रहती है, तो विलेजेस में जाएं और उनको पढ़ाएं, और जितना ज़्यादा हमारे देश के लोगों को एजुकेशन मिलेगा उतना ज़्यादा वो एम्पावर होंगे, और जितना ज़्यादा वो एम्पावर होंगे उतना ही वो अपने देश के लिए लड़ेंगे। देशबंधु जी बहुत अच्छे पोएट भी थे, ऐसे भी बहुत अच्छा लिखते थे, इनके रिलीजियस व्यूज़ बहुत ज़्यादा लिबरल थे, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बहुत बिलीव करते थे, वुमन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे, विडो रीमैरिज को इन्होंने हमेशा प्रमोट किया है, फीमेल एजुकेशन को इन्होंने हमेशा प्रमोट किया है। ये बहुत नॉर्मल है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके जो फादर थे वो ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थे, ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने, और राजा राम मोहन रॉय तो सती की प्रथा उन्होंने रोकी थी और वुमेन इम्पेंसिपेशन के लिए काम किया, विडो रीमैरिज के लिए काम किया, तो ऑब्वियसली चित्तरंजन दास जी के अंदर भी वही संस्कार थे, ये चाहते थे कि विडोज़ की रीमैरिज हो, क्योंकि उस समय की सोसाइटी में विडोज़ की हालत बहुत ख़राब थी। फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट किया और अपनी दोनों बेटियों की शादी इन्होंने दूसरी कास्ट में की, एक बेटी की शादी ब्राह्मण के साथ की और एक बेटी की शादी कायस्थ के साथ की। फिर धीरे धीरे इनकी तबीयत ख़राब होती रही फ्रेंड्स, 1917 से ये इंडियन नेशनल स्ट्रगल में एंट्री मारी इन्होंने, काफ़ी हद तक एक्टिव रहे, और 1925 16 जून को उनकी मृत्यु हो गई 55 साल की उम्र पे। तो भले ही 8 साल तक ये टोटली इंडियन नेशनलिज्म की तरफ डिवोटेड रहे, पर इस 8 साल में ही इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, खासकर बंगाल के इलाके में। और जब ये गया सेशन के प्रेसिडेंट बने थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उस समय पे इन्होंने अपने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें उन्होंने कुछ बोला था, क्या बोला था, इन्होंने बोला था व्हाट इज फ्रीडम, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द टर्म बट वन मे डिस्क्राइब इट एज दैट स्टेट दैट कंडीशन विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ नेशन टू रियलाइज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी एंड टू इवॉल्व इट्स ओन डेस्टिनी द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज फुल ऑफ स्टिरिंग स्टोरीज एज टू हाउ नेशंस हैव स्ट्रक फॉर फ्रीडम इन ऑर्डर टू कीप देयर नेशनलिज्म एंड देयर इंडिविजुअलिटी इनव्योलेट एंड अनटार्निश्ड। तो इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या बोला सी आर दास जी ने कि भाई ये जो आज़ादी है, फ्रीडम, ये है क्या, आप इस टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कोई अगर इस टर्म को बोलेगा तो ये बोलेगा कि आज़ादी वो कंडीशन है, आज़ादी वो सिचुएशन है, आज़ादी वो स्टेज है जहाँ पे एक देश अपनी इंडिविजुअलिटी को देख सकता है। और उस समय इंडिया की इंडिविजुअलिटी थी ही नहीं, वो तो अंग्रेजी सरकार के नीचे थी। और इन्होंने बोला कि आज़ादी तब होगी जब एक देश के पास ये ताकत होगी कि वो अपने फ्यूचर को, अपनी डेस्टिनी को खुद तैयार करे, खुद बनाए। और उन्होंने बोला कि जो मैनकाइंड की हिस्ट्री है उसमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि कैसे अलग अलग देशों ने फ्रीडम के लिए
अपनी नेशनलिज्म की भावना को उजागर किया और अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी सरेंडर नहीं किया, और इंडिया भी ऐसा ही करेगा। ये चित्तरंजन दास जी के वर्ड्स थे जब उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था 1922 के गया सेशन में। इनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी थी, इनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। इन्होंने बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस को भी चेयर किया था 1917-1920 के लगभग के टाइम पे। विलेज रिकंस्ट्रक्शन पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को इन्होंने प्रमोट किया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रिन्यू करने की बात की है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं फ्रेंड्स। इनकी वाइफ का नाम था बसंती देवी। बसंती देवी जी के साथ इनकी शादी 1879 में हुई थी, और बसंती देवी भी फ्रीडम फाइटर थी फ्रेंड्स, उनकी वाइफ भी एक फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। अब देखिए, जब इनकी मृत्यु हुई ना दार्जिलिंग में, इनको फीवर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 16 जून 1925 को, तो उस समय पर गांधी जी ने पब्लिकली इनका इनको प्रेज करते हुए, इनको एडमायर करते हुए कहा कि भैया देशबंधु वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन थे, उन्होंने इंडिया को फ्री कराने का सपना देखा था और किसी चीज़ का नहीं, उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया, और ये भी बोलूँगा कि उनका अंग्रेज़ों की तरफ भी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस वो ये चाहते थे अंग्रेज़ हमारा देश छोड़ के चले जाएं। चित्तरंजन दास जी के भक्त डिसिपल थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी जो वाइफ थी बसंती देवी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस माँ बोलते थे, अपनी माँ की तरह उनको एड्रेस करते थे। चित्तरंजन दास जी की मेमोरी में इंडिया में बहुत से मेमोरियल्स हैं, इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी हैं, जैसे चित्तरंजन एवेन्यू है, चित्तरंजन कॉलेज है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, चित्तरंजन पार्क है, चित्तरंजन स्टेशन है, देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स है, चित्तरंजन हाई स्कूल है, देशबंधु महाविद्यालय है। तो बहुत सारे इनको ऑनर करने के लिए स्कूल्स खोले गए हैं, कॉलेजेस खोले गए हैं, स्टेशन पे नाम है, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क है, बहुत कुछ है फ्रेंड्स, ठीक है। उनको लिखने का बहुत शौक था, बहुत सारी मैगजीन्स को उन्होंने पब्लिश किया है, एडिट किया है, जैसे नारायण, माला, सागर, संगीत, किशोर किशोरी, अंतरायमी, और ख़ास बात यह है फ्रेंड्स कि बंदे मातरम नाम की एक इंग्लिश लैंग्वेज वीकली आया करती थी जो स्वराज की आइडियोलॉजी को प्रोपाउंड करती थी। तो उस बंदे मातरम नाम की आइडियोलॉजी को पब्लिश करते थे बिपिन चंद्र पाल और अरिबिंदो घोष, और इस चीज़ में उनकी मदद की थी चित्तरंजन दास ने, ठीक है। तो बंदे मातरम मैगजीन के साथ भी वो एसोसिएटेड थे। तो ये चित्तरंजन दास जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें फ्रेंड्स, और अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं। सो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।